प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को तो दो बार जीत लिया है, लेकिन दिल्ली का दिल नहीं जीत पाए हैं। लोकसभा चुनावों में 2014 में भी और 2019 में भी सात की सात दिल्ली की सीटें हासिल की हैं, लेकिन 70 सीटें विधानसभा की किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कुछ किया है, कुछ करने का वादा है, अपना तो रास्ता सीधा साधा है। 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली। आदरणीय मोदी जी को हम दिल्ली की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। दिल्ली के लोगों ने जो 5 साल पहले देश की राजनीति बदली थी, 5 साल पहले हमारी औकात क्या थी? हम कुछ भी नहीं थे, एक छोटी सी पार्टी बनाई हमने और इन्हीं लोगों ने दो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा के और 70 में से 67 सीट दे दी, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इन्होंने नई किस्म की ईमानदार राजनीति कायम की। आज मुझे पूरा विश्वास है यही लोग इस देश के अंदर धर्म और जात की राजनीति को लात मार के काम की राजनीति को वोट देंगे। चुनावी जीत के दावे से ज्यादा इसमें अरविंद केजरीवाल का मजबूत आत्मविश्वास झलकता है, जो मोदी शाह वाली बीजेपी को ललकार रहा है। यह अलग बात है कि बीजेपी ने भी अपना सब कुछ दिल्ली चुनावों में झोंक रखा है। मित्रों, जो दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, इसने अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का किया है तो दिल्ली के गरीब और गांव का किया। और केजरीवाल जी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण आयुष्मान भारत योजना को गरीब के पास पहुंचने नहीं देते। आपके मन में भय है कि अगर आयुष्मान भारत योजना चालू हो गई तो दिल्ली की जनता और मोदी जी के बीच में जुड़ाव आ जाएगा। केजरीवाल जी, मैं बता दूं, आप गलत सोच रहे हो, जुड़ाव हो चुका है और दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ। दिल्ली चुनाव केजरीवाल के लिए एक और जीत की उम्मीद के साथ केंद्र की राजनीति में अपनी धमक दर्ज कराने की उम्मीद है, तो बीजेपी के लिए गिरती साख बचाने का एक और कड़ा इम्तिहान। बीते एक साल में बीजेपी 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता गंवा चुकी है। ऐसे में दिल्ली का चुनाव परिणाम बीजेपी के मनोबल के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की 7 में 7 सीटें जीती थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में दिल्ली के 70 में से केवल 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। ये बिल्कुल सही है कि काम पे ही चुनाव होगा, लेकिन जब काम की बात आएगी तो दिल्ली के लोगों का वो घर घर में जहरीला पानी, पानी से बीमार होते लोग, गलियों में बोतल में पानी भर के प्रदर्शन करते लोग, वो भी याद करेंगे क्या काम हुआ। आप तय कर लीजिए कि इन बीजेपी को जाने वाला एक एक वोट, अगले चुनाव में बीजेपी को जाने वाला एक एक वोट असल में महंगी बिजली के लिए जाएगा, बीजेपी को जाने वाला एक एक वोट असल में महंगे पानी के लिए जाएगा। दिल्ली चुनावों की घोषणा से पहले बीजेपी ने अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देने का ऐलान किया, जिसका केजरीवाल की फ्री बिजली पानी स्कीम से सीधा मुकाबला है। पहले जो सरकार चला रहे थे उन सरकार वालों ने इन बंगलों में रहने वालों को तो पूरी छूट दी, लेकिन आपके घरों को नियमित करने के लिए कुछ किया भी नहीं। और जब मैं कर रहा था तो रोड़े अटकाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। कच्ची कॉलोनियां पक्की होनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन अभी जो बीजेपी वाले कच्ची कॉलोनियों के नाम पे कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। जो रजिस्ट्री दी है वो फर्जी रजिस्ट्री है, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है। ये ठीक है कि चुनाव दिल्ली का है और उसमें हार जीत से केंद्र की मोदी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC की सारी कवायद के साए में चुनाव हो रहा है। विपक्ष इसे मोदी सरकार के फैसलों के रेफरेंडम के तौर पर कटघरे में रखेगा। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत पाए थे, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा रहा था 0। हालांकि लोकसभा चुनावों में वोट परसेंट के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति आम आदमी पार्टी से काफी बेहतर रही थी,
बीजेपी को 54% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22.83% वोट और आम आदमी पार्टी 18% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी तो सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी के लिए दांव पर मोदी मैजिक भी है और अमित शाह की चाणक्य वाली परिभाषा भी। सबसे बड़ी बात, बीते 4.5 साल मोदी विरोध का झंडा लेकर चलने वाले केजरीवाल से हिसाब बराबर करने का भी है।